आप कह रहे हैं कि अरे भाई मजहब पर कुछ नहीं होना चाहिए, कमाल है भाई, मजहब के नाम पर आपका शरिया पर्सनल लॉ चलता है, मजहब के नाम पर आपकी पार्टी है। आप तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर वन लीडर हो तो वो मोदी ही होगा, आपका कोई चांस नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर वन चैनल रहेगा तो वो टाइम्स नाउ नवभारत ही रहेगा, बाकी चैनल नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझ में जज्बा है लड़के जीतने का, आप में वो जज्बा नहीं है। डराते आप दूसरे हुए हैं लेकिन डरे हुए आप खुद हैं। और आप कह रहे हैं कि अरे भाई मजहब पर कुछ नहीं होना चाहिए, कमाल है भाई, मजहब के नाम पर आपका शरिया पर्सनल लॉ चलता है, मजहब के नाम पर आपकी पार्टी है, मजहब के नाम पर वक्फ बोर्ड चलता है, लेकिन मजहब के नाम पर किसी भी शरणार्थी को नहीं अंदर आने देना चाहिए। सुधांशु जी, अब ये तर्क कैसा है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। 10 सेकंड सुधांशु जी, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, दानिश जी ने जो बात कही कि साहब इन्होंने ये कहा कि वहां जो लोग थे उन्होंने अपने आप चुना था, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहां के रहने वाले हिंदू सिख बौद्ध उन्होंने पाकिस्तान चुना था। अरे जनाब, आपको कुछ पता नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। वहां के तो मुसलमानों ने पाकिस्तान को नहीं चुना था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1946 की असेंबली में कांग्रेस जीती थी, खान अब्दुल गफ्फार खान जीते थे, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। यानी वहां का मुसलमान भारत के साथ रहना चाहता था। और याद करिए खान अब्दुल गफ्फार खान का दुखी होकर 1947 में बयान कि हमको भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था। क्या बात करने लगते हैं, खैबर पख्तूनवा और गिलगित रहना नहीं चाहते थे, मुसलमान भी वहां नहीं रहना चाहते थे, हिंदू की क्या बात करें। मगर एक बात जरा गौर से समझिएगा, यहां के मुसलमानों ने बड़ी भारी संख्या में पाकिस्तान को वोट दिया था। आज का जो दक्षिण भारत है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बिल्कुल झूठ, मुस्लिम लीग, बिल्कुल झूठ, आपके पास वोटिंग राइट था, 30 में से 30 जीती थी 1946। अरे चुप भैया, आप लगातार बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल झूठ बोल, झूठ। अरे सुनिए, क्या बोल रहे हैं बिना वजह बीच में। अच्छा चलिए दानिश कुरैशी, आप जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए दानिश, अच्छा चलिए, अभी सच और झूठ पानी पानी हो जाएगा, मुझे ये बताइए। अच्छा बताइए, अरे भाई मेरे को बताइए, सुनिए भाई बात पूरी, किसके पास था? क्या आम मुसलमानों के पास था? बताइए, आम मुसलमानों के साथ पास था, सिर्फ एलीट क्लास के पास था। अब मैं जवाब दे दूं, अरे भाई मैं जवाब दे दूं, सुनिए सुनिए, आप लगातार, चलिए दानिश जी, दानिश जी, अब आपने अपना, नहीं नहीं, आपने अपना पॉइंट बताया, आप सुधांशु जी का जवाब सुनिए, आपका आपका फेडर डाउन फैक्ट आ रहा तो आप परेशान है। मैं दानिश कुरैशी जी को चैलेंज करके कह रहा हूं, सुनिए, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना न ढाका से चुन के आए, न चिटगांव से चुन के आए, न लाहौर से चुन के आए, न कराची से चुन के आए, न पेशावर से चुन के आए। जवाब दो दानिश कुरैशी, कहां चुन के आए, पूछना चाहता हूं। अभी देखे दूध का दूध पानी का पानी होता, बोलिए कहां चुन के आए थे। अरे 20% वोट नहीं किया था, जो एलीट पास था उसने वोट किया था, उसके अलावा किसी के पास वोटिंग राइट नहीं था। चतुर्वेदी के पास था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो भ्रम फैलाने की राजनीति आप करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को अब इससे बाहर निकलना चाहिए, देश को ये सोचने की जरूरत है। अरे पहले जवाब दो, कहां से चुन के आए थे? हमने तो आपको तमाम कहां से चुन के आए थे, जवाब दो, आपसे जवाब नहीं पता है तो आए ना मत धर्म मेरे भाई। सुनिए, धर्म आधार नहीं हो सकता भारत के संविधान, जिनकी पार्टी के नाम में धर्म है वो धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये इतनी अटपटी बात। ओके दानिश कुरैशी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, किसी ने क्या नहीं किया, जा रही सुन मेरे भाई, सुधांशु जी चला जा रहा है दानिश कुरैशी, सुनिए दानिश कुरैशी, सबके फेडर डाउन, सुधांशु जी का जवाब, असेंबली कैसे चुनी गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे चुनी गई थी। भाई आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं तो शांति से बैठा था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग राइट लिमिटेड था तो संविधान सभा कैसे चुनी गई थी, बोलो क्यों आके कुतर्क करना शुरू कर देते हैं। अब मैं शांति से जवाब देना चाहता हूं, अब बहुत हो गया, अब आप बहुत बोल चुके हैं, अब आप जवाब मत दीजिए, मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अब मैं इनको पूरी तरीके से बेनकाब करता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, 95% मुसलमानों ने वोट किया था और मुंबई का 95% मुसलमान नहीं चला गया पाकिस्तान। सुनिए मैं बताना चाहता हूं, मैं सरदार पटेल की बाइक सुना सकता हूं,
3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में उन्होंने कहा भारत में 3.5-4 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और ज्यादातर ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। कोई बात नहीं, पाकिस्तान बन गया, ठीक है, अब आप यहां रहना चाहते हो शांति से रहो, जबकि हम मानते हैं कि एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया। कहो तो सुना दो अभी भाई, इसलिए ज्यादा मत बोलिए, शांति से बैठ के बात करिए। जो आप एकदम से बनने का प्रयास करते हैं कि साहब वहां पे उस जमाने में ऐसा नहीं होता, और मैं कह दूं दक्षिण भारत की मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद इस्माइल, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, वो आज की मुस्लिम लीग का संस्थापक है। और पीजे पोकर साहब 77 तक भारत की संसद में रहे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिमों के लिए पृथक इलेक्ट्रेट मांगे, यह सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग में है। इसलिए बोलने से पहले शांति से सोच लिया करिए।